जब आपकी फिजिकल सबमिशन हो जाती है उसके बाद जो आपका वर्क परमिट है वो विद इन 45 डेज विद इन 60 डेज आपके पास आ जाता है, यानी कि जो आपकी एजेंसी है या आपका एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद व्लॉग्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वर्क परमिट से पहले जो हमें सबमिशन स्लिप का नहीं पता, बहुत सारे लोगों का सबमिशन का नहीं पता, सबमिशन स्लिप क्या होती है, सबमिशन स्लिप कितने दिनों में आती है और सबमिशन स्लिप का फ़ायदा क्या होता है। आज हम टोटली जो बात करेंगे वो रोमानिया सबमिशन स्लिप जो होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले गाइज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता सबमिशन स्लिप क्या होती है, फिजिकल सबमिशन स्लिप क्या होती है, ऑनलाइन स्लिप सबमिशन स्लिप क्या होती है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी एजेंसी या एजेंट के पास जाते हो अपना काम करवाने के लिए रोमानिया के लिए, ठीक है, तो वो आपको पैसे ले लेता है और आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसका काम होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं और आपके जो पेपर लिए हैं उनको वो सबमिट करे रोमानिया में या उनको ऑनलाइन सबमिशन करे, ठीक है। सबमिट का मतलब सबमिशन करे, लाइक जिस बंदे ने काम करवाना होता है वो इस तरह सीन होता है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा होता है, लाइक आपका एजेंट आपकी एजेंसी वाला, वो बंदा जब आपके पेपर को सबमिट कर देता है रोमानिया की तरफ या सबमिट कर देता है आगे किसी कंपनी की तरफ, तो उसको बोलते हैं सबमिट करना पेपर। उसके बाद सबमिशन स्लिप क्या होती है, सबमिशन स्लिप एक होती है ऑनलाइन, एक होती है फिजिकल। ऑनलाइन सबमिशन स्लिप ये होती है कि जैसे ही फर्ज किया मैं एजेंट हूं या मैं एजेंसी वाला हूं, मैंने आपके डॉक्यूमेंट दिए रोमानिया में किसी बंदे को कि ये बंदा है इसका वर्क परमिट निकलवाओ, तो उसने ऑनलाइन जब आपने वहां पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो आपको मेल रिटर्न करते हैं कि इस बंदे का हमने डॉक्यूमेंट जो है ले लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं आपकी तरफ से, हमारे पास सबमिट हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन सबमिशन, के दस्ती ही ऑनलाइन सबमिशन आपको वो दिखा दी जाती है। एक होती है फिजिकल सबमिशन। फिजिकल मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रॉपर काम वहाँ पे आगे आपका केस लग जाता है, ठीक है, प्रॉपरली तौर पे आगे जहाँ आप बंदे ने जाना होता है वहाँ पे केस लग जाता है, तो वो रिटर्न में आपको एक सबमिशन स्लिप देते हैं जिसको फिजिकल सबमिशन स्लिप कहते हैं, कि बंदे ने फिजिकली तौर पे आपका वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, जब आपकी फिजिकल सबमिशन हो जाती है उसके बाद जो आपका वर्क परमिट है वो विद इन 45 डेज विद इन 60 डेज आपके पास आ जाता है, यानी कि जो आपकी एजेंसी है या आपका एजेंट है जिससे आप काम करवा रहे हो उसको आ जाती है कि भाई मेल आ जाती है कि इनका वर्क परमिट निकल आया 45 डेज के बाद या 60 डेज के बाद। अगर आपको वो ऑनलाइन सबमिशन दे रहा है तो उसको बोला भाई मुझे ऑनलाइन सबमिशन स्लिप नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल सबमिशन स्लिप चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन स्लिप से नहीं पता चलता है कि आपका केस वहाँ आगे लग गया है या नहीं लग गया, बट जब आपके पास फिजिकल सबमिशन स्लिप आ जाती है तब आपको पता चल जाता है कि वाकई ही आपका काम उधर स्टार्ट हो चुका है। और तकरीबन फिर उम्मीद बंदे की लग जाती है ना, एक बंदा काम ही नहीं कर रहा और एक बंदा ने काम स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा डिफरेंट होता है ना कि एक बंदा काम कर नहीं रहा अभी लारे में रखा हुआ और एक बंदे ने काम करना स्टार्ट कर दिया। जिसने लारे में रखा होता है, ठीक है, उस पर बंदे ने क्या बिलीव करना होता है, लेकिन जिस बंदे ने काम आपका स्टार्ट कर दिया होता है कि हाँ भाई काम करना स्टार्ट हो चुका है, तो बंदे को थोड़ी सी दिल को उम्मीद हो जाती है, खुशी हो जाती है कि यार कम अज कम मेरा काम होना स्टार्ट हो गया। टाइम कितना लगना है ये आपकी लक पे है, आप जल्दी भी जा सकते हो, आप लेट भी जा सकते हो, आप विद इन 6 मंथ भी जा सकते हो, आप विद इन 7 मंथ जा सकते हो, आप विद इन 9 मंथ जा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे सुनने में है वो 1 साल भी लग जाता है। ये सब दाना पानी पे है। अगर अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी रोमानिया में जल्दी लिखा होगा तो आप जल्दी चले जाओगे, अगर दाना पानी आपका थोड़ा लेट लिखा होगा तो आप लेट जाओगे। लेकिन जिस बंदे ने कोशिश की है, ये बात मेरी जहन में रख लें, जो बंदा कोशिश करता है, जो बंदा ट्राई करता है अल्लाह ताला की ज़ात को मान के कि अल्लाह ताला मेरा काम अल्लाह ताला आपके सुपुर्द कर दिया है, अब आप जाने आपका काम जाने, मेरी तरफ से कोशिश थी, मैंने कोशिश की है, अब अल्लाह ताला आप ही मेरी बेड़ी को जो पार लगाएंगे, जब एक बंदा ये सोच लेता है तो मुझे ये उम्मीद है कि लेट सही लेकिन काम उसका हो जाता है। लेकिन जो अच्छी एजेंसीज वाले हैं वो विद इन 6 और 7 मंथ आपका काम कर देते हैं, आप विद इन 7 मंथ या 6 मंथ फ्लाई करके रोमानिया पहुँच जाते हो। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि ऑनलाइन सबमिशन क्या होती है और फिजिकल सबमिशन क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो की या मेरी बातों की। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी भी इस तरह थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, मैं भी आपको नई नई मालूमात ला के देता रहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।